झांसी में अपना दल के विधायक के पति और देवर पर व्यापारी की दुकान पर कब्जा कर धमकाने का आरोप लगा। मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यापारी ने मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर दुकान पर कब्जा करने और धमकाने की शिकायत करते हुए अपने और अपने परिवार के लोगों की जान माल की सुरक्षा किए जाने की गुहार लगाई। मऊरानीपुर के मोहल्ला गांधीगंज निवासी रोहित अग्रवाल पुत्र रतन लाल अग्रवाल ने कोतवाली प्रभारी सहित उपजिलाधिकारी मऊरानीपुर को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी नगर में बेशकीमती जमीन है जिस पर नजर अपना दल के विधायक पति की नजर है और हर हाल ही में जनप्रतिनिधि के पति और देवर द्वारा उसकी कीमती दुकान पर कब्जा कर लिया गया और जब व्यापारी ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं व्यापारी ने अपनी समस्या को सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाई। व्यापारी ने कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिलता है तो वह अपनी बेटियों और पत्नी सहित आत्महत्या करने को विवश होगा। वहीं मऊरानीपुर उप जिलाधिकारी ने मामले की जाँच कर कार्यवाही किए जाने की बात कही। क्या नाम है आपका? रोहित अग्रवाल और ऋषि अग्रवाल। जो कि हमारी साथ घटना जो हुई कि 10-12 दिन पहले मेरी दुकान पर कब्जा कर लिया है विधायक की और पप्पू सेठ और हेमंतार हरचंदान। लोगों ने मेरी दुकान पर कब्जा किया, 20 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। 20 लाख रुपए दे दो, हम तुम्हारी दुकान खाली करके चाबी वापस दे देंगे। उन्होंने कि दुकान किराए पर भी दे दी। आज हमने ये प्रार्थना पत्र एक थाने में दे दिया है जो कि हमें आश्वासन दिया है साहब ने कि हम इस पर जो उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। और मैं गरीब आदमी, अगर मेरे ऊपर कुछ भी होता है इन लोगों की तरफ से, मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी वाइफ, मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, अगर मुझे जान से मारा जाता है या कुछ भी किया जाता है तो इन्हीं लोगों के ऊपर FIR दर्ज होगी। हमारी दुकान है अलियाई मोहल्ले में, कनकनी मेडिकल स्टोर के बगल में, खाली थरी खाली पड़ी थी, खाली दुकान हमारी पड़ी हुई है, उस पर इनने कब्जा कर लिया। नीचे दुकान है, एक ऊपर कमरा बना हुआ है, एक कोठा ऊपर है उसका, उसमें 2 शटर लगी हुई है। तो इन लोगों ने ताले तोड़े और कब्जा कर लिया मेरी दुकान से।